बीजेपी विधायक ने लगाई उठक बैठक। कान पकड़कर मांगी जनता से माफी। ये तस्वीरें जनता के सामने नेताओं की लाचारी को बयां करती हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और नेताओं को उनके सामने कान पकड़कर उठक बैठक तक लगानी पड़ सकती है। खासकर नेता अगर सत्ताधारी बीजेपी का हो तो फिर हार का डर ऐसे सताता है कि नेता गिड़गिड़ाते हुए 5 साल में हुई गलतियों से तौबा करने लगते हैं। जिस यूपी को योगी नंबर 1 बनाने का दावा करते हैं, उसी यूपी के रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी के विधायक भूपेश चौबे को जनता के सामने कान पकड़कर माफी मांगनी पड़ी कि हमें माफ कर दीजिए। 5 साल जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए हम शर्मिंदा हैं। 5 साल जो गलतियां हुई हैं, उनके लिए हम इतने शर्मिंदा हैं कि उठक बैठक लगा रहे हैं। भूपेश चौबे ने कहा कि जिस तरह से 2014 में आप सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपना आशीर्वाद दिया, उसी तरह इस बार भी आपका आशीर्वाद मिले, जिससे रॉबर्ट्सगंज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सके। इसके साथ ही 5 सालों के कार्यकाल में विधायक से हुई गलतियों पर उन्होंने माफी मांगी और मंच पर ही उठक बैठक करने लगे। इसे फजीहत ना कहें तो और भला क्या कहें। तभी तो मंच पर मौजूद लोग उन्हें बिठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन विधायक जी अपने काम पर इतने शर्मिंदा थे कि बस रुके ही नहीं। चुनाव जीतने के बाद भले ही प्रत्याशी खुद को तानाशाह समझने लगते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जनता की अदालत में सबका यही हाल होता है। इसीलिए वोट के अधिकार को सबसे बड़ा अधिकार कहा गया है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।